ओडिया भाषा रे मध्य कथा हवा काहेकि ना ओडिया वासी स्पेशली आमे जति कहबा छे ओडिसा वासी मध्य ढेर प्रशंसा करिसेंती आपन को तो ओडिया भाषा रे मध्य आमे कथा हवा को चाहिपा तो भक्तिन जी हम लोग जानना चाहेंगे कि आप तो ओडिया नहीं है तो ये जो आध्यात्मिकता है और ये जो जगन्नाथ के प्रति आपका दुर्बलता ये कैसा है जी। ये बात है कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाते ही रहते हैं, लेकिन 2018 की मैं बात कर रही हूँ। 2018 में हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो तब क्या हुआ था, मैं सुन रही थी कि सब लोग ओडिया में बात कर रहे थे, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि तब मुझे कैसा लगा था। मुझे लगा था कि ये जो भाषा है ओडिया भाषा, इसके साथ मेरा कोई पहले का कनेक्शन है, जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, जैसे कि मैं इस लैंग्वेज को बहुत सदियों से सुनती आ रही हूँ। और मुझे लगा, मुझे तो रोना आ गया था जब मैं सुन रही थी कि कोई लोग उड़िया में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये लोग मेरे अपने लोग हैं और इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जबकि मेरा कोई रिलेटिव ओडिशा में नहीं रहता है, मेरे घर में भी कोई उड़िया नहीं है, बट फिर भी वो जो कनेक्शन है, वो जो फीलिंग मुझे आई थी जब मैंने पहली बार उड़िया में किसी को बात करते हुए सुना था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु से मैंने प्रार्थना किया था कि हे महाप्रभु, मुझे ये भाषा आप सिखा दो कैसे भी करके, क्योंकि ये जो ओडिया लैंग्वेज है इसके प्रति जो लगाव है, ये मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसे कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब मैंने पहली जी बार भक्तिन सुना जी हम कि लोग जानना मतलब चाहेंगे ये कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल ये जगन्नाथपुरी से ही स्टार्ट हुआ। जब मैं गई थी तो मैंने सुना कि सब लोग ओडिया में बात कर रहे थे, तो तब मुझे लगा कि मेरा इस लैंग्वेज के साथ जैसे पहले पिछले जन्म का कोई कनेक्शन सा है, और इस जन्म के साथ मेरा इतना, इस भाषा के साथ मेरा इतना लगाव हो गया था, इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं इसको मतलब एक्सप्रेस करके बता नहीं सकती। मैंने बस एक ही प्रार्थना किया था महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मुझे बस आप उड़िया सिखा दो, मुझे आपसे उड़िया में बात करनी है, और मुझे आप थोड़ा सा एटलीस्ट सिखा दो ताकि मैं समझ पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। लेकिन जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी है, कृपालु है, सब भक्तों की सब बात सुनते हैं। वैसे तो मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन भक्त बनने का प्रयास करती हूँ। और जगन्नाथ जी से उस दिन दिल से बोला था कि हे महाप्रभु, मुझे आप ये लैंग्वेज जो है ये सिखा दो। तो पता नहीं कैसे ये मैजिक जैसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब गए थे 2021, यही इसी मंथ में हम लोग गए थे जगन्नाथ पुरी, तो वहां पे जाने के बाद, अभी 2018 में वहां से वापस आने के बाद, मैंने सिर्फ भगवान से बोला था, जगन्नाथ जी से बोला था, लेकिन बाकी जो ओडिया सिखाना है ये सब अरेंजमेंट जगन्नाथ जी ने कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया था, सब जगन्नाथ जी ने इसका सारा इंतजाम कर दिया था कैसे मुझे ओडिया सीखना है, क्या सीखना है। तो थोड़ा बहुत ओडिया अभी मैंने सीख लिया है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ और हाँ, बोल भी सकती हूँ। तो बस ओडिया भजन सुन सुन के उसको थोड़ा थोड़ा समझना, एंड ओडिया वीडियोस देख देख के, मतलब ओडिया जब भी कोई बात करते किसी को सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, ये तो मेरा बहुत पास है, ये मेरा बहुत कोई अपना है जिसको मैं बहुत सदियों से पिछले जन्म से जानती हूँ।